ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी में लोग पैसे वाले बनते रहे और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे, इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमने ये तय किया है, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से नगीना के लोगों का और जितने अम्बेडकर नगर के लोग, और अम्बेडकर नगर का मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ शब्दों में, क्योंकि आज भी मेरे याद है कि जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था तो अम्बेडकर नगर के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने एक एक रुपया, दो दो रुपये, दस दस रुपए के नोट जो है मेरे आज भी याद है वो नोट। मैंने चुनाव के बाद वो पोर्टलिया खोली और वो नोट देख के लगता था कि उसपे हजारों लोगों का पसीना लगा हुआ, जितने लोगों के हाथ से गुजर गया हुआ। जब मैंने वो नोट देखा तो मैं भावुक हो गया कि भाई ये नोट जिसने दिया होगा, जिस माँ ने, जिस भाई ने, जिस पिता ने, उसने नोट नहीं दिया, उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, उस भरोसे में खरा उतर कर उनकी जिंदगी में बदलाव करूं। मेरे आज भी याद है वो नोट, और वो नोट मैंने उठा के रखा। आपने मुझे जो नोट दिया है वो सूद समेत अधिकारों के तौर पर आने वाले समय में आपको वापस करूंगा, मेरे बात को आप जिसने एक रुपए की मदद की है उसको पॉलिसी बना के उसके 50 लाख रुपए की मदद उसके परिवार को करवाने का काम है। ये चंद्रशेखर आजाद आपका नेता नहीं है, ये आपका भाई, आपका बेटा है, आपके बीच का है। और अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों, भूला नहीं हूँ, भूला नहीं है। लाठी आपके ऊपर पड़ी थी, मेरे आज भी याद है जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया था और आपकी मेरी बहनों के सरों पे और कमर पे जो लाठियां पड़ी थी, भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। आज भी वो जख्म मेरे दिल में है, आज भी वो जख्म मैं अपनी पीठ पर महसूस करता हूँ। मेरे आज भी याद है जब मेरे कई साथियों को पकड़ के अम्बेडकर नगर की जेल में बंद कर दिया गया था और मैं उनसे मिलने के लिए आया था तो सारे अधिकारी लड़के खड़े हो गए थे कि मिलने नहीं देंगे। मैं भूला नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बस समय की बात है, समय बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आपने मेरी बात पर पहरा दे दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों की बात पर पहरा दे रहा है, अगर आपने मेरी बात पर पहरा दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात मजबूत होगी और आपके हिसाब से काम होगा, गरीबों के लिए योजना बनेगी और गरीबों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने। इस देश की आजादी के 75 साल बाद यहाँ पहुंचे हम कि आज भी मुझे अपने हत्या होती है, नहीं होती है, मटकी छूने में हत्या होती है, और तो और घोड़ी में बैठने में आज भी अपमानित किया जाता है। अब तो हमारे नौजवान संघर्ष करने लगे हैं, मेहनत करने लगे हैं, मैं इनकी आंखों में चमक देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि नगीना के रिजल्ट के बाद उनके मन में बात चल रही है कि हमें अपनी अपनी विधानसभाओं में भी रिजल्ट इस बार देना है। चल रही है भैया, चल रही है, बताओ तो तुम पे भी मौका आन पड़ा है, बताओ मेरी बात को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बताओ। ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग मदद करेंगे। आप मेरी बात पर गौर करो मुट्ठी नीचे करके। मेरा एक घर बिजनौर है और एक घर मेरा वहां जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपके हर घर में मेरा घर है, मेरी बात का भैया। और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला, मेरी बात को अब याद रखना। देखो मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र है, जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और वोट यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों को है, क्योंकि उनकी संख्या 85% से ज्यादा। अगर वो लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लें और अपने वोट का सही प्रयोग कर लें तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका राज कहा जा जाए। नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया,
नगीना के लोगों ने मेरी बात पे पहरा दे दिया, नगीना के लोगों को क्या मिला। आज डीएम उनकी सुनता है, आज एसएसपी उनकी सुनता है, आज सीओ उनकी सुनता है, थानेदार उनके सुनते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। और तो और हर साल 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या को खत्म करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। उनके साथ साथ नगीना के लोगों को उनकी सेवा करने वाला चंद्रशेखर आजाद भी मिला। अगर आप भी मेरी बात को मान लो और देखो, आपको मौका 27 में नहीं मिल रहा है, आपको तो मौका अगले 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ये कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, ये कटहरी अम्बेडकर नगर, ये हमारा दिल है, हमारा घर है, बहुजन मूवमेंट की सबसे मजबूत धरती है। आपने बहुत सारे लोगों को एमएलए बना दिया है, एक एमएलए आप लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी का भी बना लो। लेकिन वो एमएलए ताली बजाने से नहीं बनेगा, वो एमएलए कब बनेगा, जब यहाँ खड़ा हर नौजवान और जिम्मेदार व्यक्ति ये महसूस कर ले और मन में ठान ले कि हमें एक एक आदमी को आज से जाकर तैयार करना है। हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ हैं, अगर आप आज से तैयार करना शुरू करोगे तो 1 महीने में 1000 आप और 4-4 लोग आपका परिवार, 40,000 लोग को ये हैं। और साथ साथ अगर आपने 1 महीने में एक एक आदमी को भी तैयार किया तो लाखों आदमी तैयार हो जाएंगे कटहरी विधानसभा के। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो चुनाव करवा लेना, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कई 1000 वोट से जीत के चंद्रशेखर की तरह, जिस तरह चंद्रशेखर दिल्ली में खड़ा होकर दहाड़ता है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने आपके अधिकारों के लिए सीना तान कर सकता है। बताओ कितने एमपी हैं लोकसभा में, आपने देखे ही देखे सब लोग एमपी, बताओ आपके भाई से ज्यादा कोई बोलता है आपके अधिकारों के लिए, तो बताओ उतने इतने संख्या में एमपी अच्छे, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अच्छा, बताओ जोर से बताओ। और अगर आपने यहाँ कटहरी से भी हमारा विधानसभा का विधायक जिताकर भेज दिया तो हमारी ताकत आगे बढ़ेगी या कमजोर होगी, बताओ। तो चाहते हैं नहीं चाहते हमारी ताकत बढ़े। अब इसमें मुझे एक बात कहनी, जोर से सुना नौजवानों, फोन बंद करके एक बार जोर से सुना, और कुछ लोग वीडियो भी बना लो, जिम्मेदार लोग आपके फोन में रहनी चाहिए, घर जाने बताना। 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट है, कितने पैसे का बताओ, जोर से बताओ, 48,20,000 करोड़ का बजट है, कितना का, कितनी जीरो होती है पता है, 48,20,000 करोड़। और उसमें से आपको क्या मिला है पता है आपको, उसमें से मिला आपको 26,000 करोड़ रुपया, कितना, 13,000 करोड़ रुपए सरल काज के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए सरल ट्राइब के लोगों को, आदिवासी लोगों को। और आपकी जनसंख्या कितनी आपको पता है, भारत की जनसंख्या का 25%, मिलना कितना चाहिए था पता है आपको, मिलना चाहिए था 12,00,000 करोड़, कितना मिलना चाहिए था और मिला कितना, 26,000 करोड़, लाभ नहीं, यानी कि जितना मिलना चाहिए था उसका 1% पैसा नहीं मिला। फिर समझो, 1 रुपए से बंटवारा मानो लाखों करोड़ों को छोड़ दो, 1 रुपए का बंटवारा होना था और SC ST के लोगों को मिला 50 पैसे, कितना, 50 पैसे नहीं, 0.050 पैसे, कितना, 1 पैसे से भी कम। और सरकार कहती है कि इससे आपकी तरक्की हो जाएगी। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को तो 26,000 करोड़ रुपया भी नहीं मिला। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा, जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे
तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी, तो बंटवारा ईमानदारी से होगा। और ये 12,000 करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा, मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए, ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी को दोगे, तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी, तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और, मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से, वो बंद कर दी। मदरसों को जो एड मिलती थी वो बंद कर दी। और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार। तो हमने नारा दिया और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं, और हमारे नेता सुनील कुमार जी तोड़ जी भी एक नारा माननीय कांतिराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बजट पर हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अभी देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हवा दवाई दे रही है कि कटारी में आवाज आ रही है, कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है उसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि ये बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं, और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने किसान को सुनाया कि एक बार दो बिलियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया, तो बिलियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोड़ने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है, तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है, तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसा ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गई, और बिलिया आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले, तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता बहने हो, ग्राम सेवक हो, बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, और कोई भी विभाग के लोग हो, अर्धसैनिक बल हो, पुरानी पेंशन का मामला हो या उनका मानदेय बढ़ाने का मामला हो, और तो और जो पुलिस के साथी हमारे खड़े हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने पार्लियामेंट में इनके लिए भी आवाज उठाई कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, और बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, इनकी वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए। हम तो हर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका नेता नहीं तैयार होगा, आपका विधायक नहीं बनेगा, तो आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। क्या कहने वालों, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उठवाना चाहते हैं, बताओ।
बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ यहाँ तो जाके सो जाओगे या जाके मेहनत करोगे? बताओ ऐसे जैसे आज आए हो ऐसे घर से निकल के काम करोगे या चैन से पढ़ के सोचाओगे? बताओ जोर से बताओ। अगर करोगे मेहनत तो मिलेगी ताकत, और नहीं करोगे मेहनत तो जो दया में रूखी सूखी मिलेगी उसको खा के टाइम काटते रहना। अब आओ साहब अंबेडकर के प्रयासों से अब इतने तो आगे बढ़ गए हो कि अपने अधिकारों को समझने लगे हो, तो अब तो समझदारी दिखा लो। अब तो समय आ गया, अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा, अब तो वोट की ताकत से अपनी ताकत बना सकते हो नहीं बना सकते हो? अब तो अपने पिछड़े समाज के भाइयों को जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते हो? देखो मैंने अपना काम आके अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जो अभी तक मेरी ड्यूटी लगी मैंने अदा कर दी, मैंने छुट्टी नहीं मनाई। हम लोग वहां 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है, मैंने छुट्टी नहीं मनाई। पिछले हफ्ते की छुट्टी हमने एक दिन हम लोग इलाहाबाद रहे और दूसरे दिन संडे के दिन हम लोग मिर्जापुर रहे, और इस हफ्ते के हमने दोनों दिन एक आज आपके यहां अम्बेडकर नगर में है और कल अयोध्या में रहेंगे। ये छुट्टी क्यों नहीं मनाई जा रही है? ये छुट्टी इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि जब तक आपके आंसू नहीं सूख जाते, जब तक आपके खाली हाथ नहीं भर जाते, जब तक आपको सम्मान की जिंदगी नहीं मिल जाती, जब तक आपके घरों से परेशानियां खत्म नहीं हो जाती, जब तक महान पुरुषों का सपना पूरा नहीं होता, तब तक हम लोग छुट्टी मनाने वाले नहीं है। इस बात का संकल्प करके मन में मेहनत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कटहरी में हमारी दूसरी सभा भी है, लेकिन आज जो लोग यहां मौजूद हैं और जो नेता जिनकी ड्यूटियां लगी है, उन सबसे मैं कह रहा हूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार आप नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि आपके पास मौका बचेगा कि आप अपनी ताकत बना सको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी बार आपको महान पुरुषों को सपने को आगे बढ़ाते हुए और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। बताओ करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ वैसे उठाओ मुट्ठी बंद करके, जोर से मुट्ठी बंद करो, इतनी जोर से बंद करो कि आपके हाथ में रखा हुआ सामान गिर ना जाए। बताओ ऐसे ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ हमारा निशान क्या है? बताओ जोर से, रुक जाओ महिलाएं बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा, बस बताओ अम्मा हमारा निशान क्या है? बताओ आवाज कम आ रही है हमारी माओं की, जिनके बच्चे इतने ताकतवर हो उनकी आवाज तो जबरदस्त आनी चाहिए। बताओ निशान क्या है हमारा? आवाज कम आ रही है, जोर से बोल के बताओ। अभी भी मेरी माँ की आवाज कम है, जोर से बोल के बताओ। आवाज नहीं आ रही है। चलो सब लोग बताओ क्या निशान? अभी की आवाज नहीं है, मेरी आवाज अकेले की तुमसे ज्यादा। बताओ बताओ क्या है हमारा निशान? तो नारा क्या है हमारा कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली,